हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। अगर आपने कभी ट्रिकेप लगाई अपने दांतों पे, क्राउन लगाया, चाहे वो मेटल का लगाया या फिर मेटल सिरेमिक का लगाया या फिर जिरकोनिया का लगाया, और किसी भी रीज़न से वो ब्रेक हो गया है, आप एक्सीडेंटली ब्रेक हो गया, निकल गया है, निकलने की वजह से गिर गया और वो ब्रेक हो गया, किसी भी रीज़न से अगर वो ब्रेक हो गया है और जैसे ही ब्रेक होने के बाद आपके हाथ में आते हैं, तो आपके मन में ये सवाल उठता है कि क्या ये वापस रिपेयर हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले जानना है कि केप कहाँ से ब्रेक हुई है। ओनली ब्रेक हुई, इसमें सिर्फ दरार आई है या फिर उसका कोई कॉर्नर टूटा है या फिर उसके दो टुकड़े हो गए हैं। तो ऐसे अगर कोई भी कंडीशन आपके केप के साथ है तो आपको क्या करना चाहिए, इसी से रिलेटेड मेरा आज का ये वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। केप ब्रेक होने को इस तरीके से समझते हैं कि मान लो आप एक्सीडेंटली आपकी केप गिर गई है और वो ब्रेक हो गई है, तो वो कहाँ से ब्रेक हुई है, उसका छोटा सा कॉर्नर हटा है या फिर उसके दो भाग हो गए हैं, दो पार्ट्स में वो डिवाइड हो गई है। तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो और आप उनको ये बोलते हो कि इसको चिपका दीजिए, तो बेसिकली डॉक्टर अगर कोशिश भी करे तो भी उसको वापस रिपेयर नहीं कर सकता, यानी चिपका नहीं सकते, क्योंकि आपका जो इम्प्रेशन होता है, केप कैसे बनती है, आपके दांत का इम्प्रेशन लिया जाता है, उसका जो नाप लेते हैं उसी नाप से वो लेप से बन के आती हैं। ये जो केप बनाने के बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट के द्वारा वो केप बन के आती है, सांचे होते हैं, उससे ही वो केप बनती है। तो अगर आपके वही केप वापस चिपकाने की कोशिश करते हैं तो उसका नाप होता है, यानी जो इम्प्रेशन होता है, वो ख़राब हो जाता है, तो वो वापस वहाँ पे सेट नहीं होती है। कोशिश भी करते हैं तो भी आपका केप का जो शेप है वो ख़राब हो जाती है। तो अगर आपकी केप ब्रेक हो गई है तो वो आपके वापस रिपेयर नहीं की जा सकती, उसके लिए आपको न्यू इम्प्रेशन देना है और न्यू केप बनवानी पड़ेगी। अच्छे से इम्प्रेशन दे के और वापस आपकी वो केप है वो लेब में भेजी, जो इम्प्रेशन है वो लेब में भेजा जाएगा और उसकी जगह से न्यू केप बन के आएगी। यही इसका एक इलाज है, उसको रिपेयर, पुरानी केप को रिपेयर नहीं किया जा सकता। तो अगर आपके केप लगी है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आपकी केप ब्रेक ना हो, जितना हो। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी केप लूज़ हो रही है तो आप पहले से ही डॉक्टर के पास जाइए और उसको निकलवा के उसको रीफिक्स करवा लीजिए। और अगर आपको पता नहीं चल रहा है, गिरने वाली है और तो कोशिश कीजिए कि उसको बचाए, वो ब्रेक ना हो। और बाई चांस अगर वो ब्रेक हो गई है तो उसकी जगह आपको फिर वो उसको रिपेयर नहीं कर सकते, उसकी जगह आपका दोबारा इम्प्रेशन लिया जाएगा और न्यू केप बन के आएगी। तो ये वीडियो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।